1350 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट है। 227 लोकसभा सीटें 201 पर बीजेपी का कब्जा, लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा 8 लेन वाला एक्सप्रेसवे है। इसके पहले फेज में दिल्ली से दौसा के बीच 246 किलोमीटर स्ट्रेच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों के लिए खोल दिया है। अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले ये पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। चुनावी मौसम में आप अगर अपनी गाड़ी से निकलते हैं तो 12 घंटे के ड्राइव में 7 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों को पार करेंगे, लगभग 1350 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस दौरान कम से कम 36 लोकसभा क्षेत्रों में आपकी गाड़ी फर्राटा भरेगी। 7 राज्यों और दमन, दीव, दादर नगर हवेली मिला दे तो कुल 227 लोकसभा क्षेत्र इसके दायरे में है। ऐसा तो नहीं है कि यूपी में 80 सीटें हैं तो सबको फायदा होगा। गाजियाबाद, नोएडा वाले को तो सीधा ही फायदा होगा। हाँ, गोरखपुर वाले को डायरेक्ट फायदा नहीं है, पर एक्सप्रेसवे की छाप तो बनेगी। इसे यूज समझिए, जब स्वर्ण चतुर्भुज योजना अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की तब जेहन में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का नाम आता था, फिर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे बना। जब स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत बनी सड़क से धनबाद पहुंचा तब लगा कि ये भी कोई चीज है। 100 की स्पीड में 40 वाली फील। अब तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस से वे लगातार दिल्ली बिहार की दूरी एक दिन में नाप लेते हैं। शानदार ड्राइविंग की चर्चा दिल्ली में भी होती है और 1200 किलोमीटर दूर गांव में भी। तो जिन्हें एक्सप्रेस वे से डायरेक्ट फायदा नहीं भी मिल रहा है उन पर भी इसका असर होता है। कितने पानी में भाजपा, इस लिहाज से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का असर 2024 लोकसभा चुनाव में पड़ना है। अब सीधे आंकड़ों पर आते हैं कैसे। दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है और एक्सप्रेसवे को दिल्ली से जोड़ने की तैयारी तेज से चल रही है। उत्तर प्रदेश में 80 में से 62 सीटें भाजपा और उसके सहयोगी दलों को मिली है। इस बार 80 में 80 का टारगेट है। हरियाणा में भी भाजपा ने 10 में 10 का स्कोर किया था। फिर राजस्थान की 25 सीटों पर भी भाजपा का क्लीन स्वीप है। नरेंद्र मोदी के सूबे गुजरात में भी 26 सीटों पर भगवा झंडा फहराया। फिर मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी ने फतह हासिल किया। महाराष्ट्र में भी 48 में 41 सीटों पर भाजपा और शिवसेना ने जीत हासिल की थी। तब शिवसेना टूटी नहीं थी। आज एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ सीएम है। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों पर भी भाजपा की जीत हुई थी।